हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीयूईटी के लिए कुछ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का थोड़ा सा रिवीजन करने वाले। बेसिकली थोड़ा सा एक बर्ड्स आई व्यू से, बिल्कुल सरसरी निगाह से हम लोग एक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बाकी लगभग कॉन्सेप्ट जो हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, जहाँ जो जो सिलेबस में है हमारे, ठीक है, लाइक स्टार्टिंग से लगा के ब्रैक्स लॉ तक का हमारा सिलेबस है, ठीक है, उसके आगे का इंक्लूड नहीं होता है सीयूईटी के एग्ज़ाम में, तो वहाँ तक हम लोग थोड़ा थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से कुछ देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा, मैं बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ये सारी बातें अपन करेंगे। अच्छा भाई, ठीक भाई, तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। क्या चीज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स? ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सिंपल सी बात से, जहाँ से हम लोग बात करते हैं, हमारे पास लैटिस क्या होता है, ठीक है, उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लैटिस क्या होता है, हमारे पास बेसिस क्या होता है, जब लैटिस और बेसिस को मिलाते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल बनता है ना, समझ रहे हो ना? एक लैटिस क्या है, एक खाली कटोरी, ठीक है, खाली कटोरी में हमने फल रख दिया, फल है हमारे पास बेसिस, खाली कटोरी है लैटिस, लैटिस प्लस बेसिस बन गया हमारे पास क्रिस्टल, है ना। खाली कटोरी देखा जाए तो एक क्रिस्टल में कुछ नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हमें समझते हैं कि खाली खाली कटोरियाँ रखी हुई हैं, सब में हमने एक एक फल रख दिया, तो फल हो गया हमारे पास बेसिस, खाली कटोरियाँ हो गई लैटिस, ठीक है, और जो टोटल बन गया हमारे पास क्रिस्टल। तो वास्तविकता में खाली कटोरी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अपनी समझदारी के लिए हम लैटिस नामक शब्द की एक वो बोलते हैं ना, यूज करते हैं, लैटिस नामक शब्द को हम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है कि लैटिस है कुछ हमारे पास, ठीक है, तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि 2D हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, 3D क्रिस्टल होते हैं, 2D में कुछ टाइप होते हैं, लाइक क्यूबिक होता है हमारे पास, है ना, चार चार टाइप होते हैं इसमें, क्यूबिक के पास रेक्टेंगल, इस तरह से चार होते हैं, ठीक है, इधर कितने होते हैं, 3D में सात होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको PDF एक दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ उस PDF का डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अब इसमें हम लोग अभी टाइम नहीं दे रहे हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रॉबिलिटी होती है। ये सिर्फ शुरुआत है, ठीक है, ये चीज़ आप थ्योरी में भी एक तरह से पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओके, ये बात हम लोग जानते हैं। बेसिक बेसिक शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी जरूरी होती है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, लाइक एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन से शुरुआत होती है, ठीक है, कि हमारे पास मान लो एक क्यूबिक है, ठीक है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और ठीक है, इस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और हमारे पास हमसे बोला जाता है, बताओ सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक का मतलब जब सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो हमारे कॉर्नर पर रखे होते हैं। बताओ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की तरीका क्या होता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है। तो जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है, ये होता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है, ठीक है, FCC होता है, BCC होता है, ठीक है ना, हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के लिए हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है दैट इज 52%, 52% होता है। BCC के लिए 68% होता है, ठीक है, FCC के लिए 74% होता है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक से याद रखनी होती है कि इसके लिए कितना पैकिंग फ्रैक्शन है, इसमें कितना पैकिंग फ्रैक्शन है। अब जैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ सकता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल क्यूबिक की बात करिए तो सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स वन, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स सिंपल क्यूबिक में वन, मतलब 1/4 यहाँ से, सॉरी 1/8 यहाँ से लोगे, 1/8, 1/8, 1/8 इस तरह से 8 करोगे तो टोटल कितना हो जाता है हमारे पास, 1, ठीक है। अब बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं आते, याद रखना, ठीक है। इसके बाद BCC में, BCC में हमारे पास होते हैं 1/8, 8 कॉर्नर्स पे, मतलब 1 हो गया, और 1 होता है हमारे पास सेंटर में, यानी हो गया हमारे पास 2, ठीक है। FCC में, FCC में 1/8 तो हो गए, 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8, ये तो हो गया हमारे पास कॉर्नर्स पे, यानी टोटल 1, और 3 हो गए हमारे पास फेसेस, क्योंकि 6 फेसेस हैं, और हाफ भाई FCC किस तरह का दिखता है, इस तरह का, ठीक है, जैसे ये कॉर्नर्स के एटम होते हैं, है ना,
ठीक है, मैं पीछे वाला नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फेस की बात करें तो आगे वाली फेस पे एक एटम होगा, ठीक है, इस वाली फेस पे एक एटम होगा, इस वाली फेस पे एक एटम होगा, नीचे वाली फेस पे एक एटम होगा, ठीक है, इस वाली फेस पे, इस वाली फेस पे, सब पे एक एक एटम होता है, ठीक है। तो आधा शेयरिंग होती है, इसका मतलब क्या है, आधा आता है उस क्यूब में, आधा जाता है दूसरे क्यूब में, तो छह फेसेस का आधा आधा मिलाओगे तो हो जाएगा तीन, यानी एस सी सी में कितना हो जाएगा 1+3 यानी कि 4। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स भी याद रखते हैं, है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स। दूसरी बात इसमें हम क्या याद रखते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है एटम्स के बीच की। लाइक हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक को समझो कि लड्डू ले लो, ठीक है, लड्डू समझो 1 2 3 4 लड्डू ये रखे, 1 2 3 4 लड्डू उसके ऊपर रखे हैं, बिल्कुल इस तरह से, ऐसा समझो, 1 1 2 3 4 लड्डू ये हैं और इसी के ऊपर चार और रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई ये दूरी कितनी है हमारे पास, ये दूरी हमारे पास 2r, और वैसे ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ए, 2r इज इक्वल टू ए, है ना, आर और ए में क्या रिलेशन होता है, 2r इज इक्वल टू ए। भाई ये क्या होती है हमारे पास, लैटिस डायमीटर, ठीक है, लैटिस पैरामीटर है बोलते हैं, ठीक है, लैटिस पैरामीटर और रेडियस में हम लोग कित क्या संबंध दिखाते हैं। लैटिस पैरामीटर ए है और एटम की रेडियस क्या है, आर, स्मॉल आर, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, 2r इज इक्वल टू ए। भाई दिखाने के लिए हम लोग दूर दूर दिखाते हैं, आप समझ रहे हो आपको, अगर तो देखो अभी टाइम हो अगर आपके पास देखने का, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देखो बेसिक्स से मैंने किस तरह सिखाया। लेकिन चूंकि अब इतना टाइम नहीं है अभी अगर आपके पास, तो फटाफट फटाफट यहाँ समझने की कोशिश करो, ठीक है। चूंकि हम दिखाते क्या है कि दूर दूर दिखता है, लेकिन वास्तविकता में बिल्कुल पास पास सटे सटे होते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल। तो 2r इज इक्वल टू ए आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं बीसीसी की, बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में इस तरह से होता है, ठीक है, और एक होता है हमारे पास बिल्कुल बीच में। तो इसको ऐसे समझो, चार लड्डू हैं, ठीक है, एक उन लड्डू के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से चार लड्डू हैं, एक उनके बीच में रखा हुआ, फिर उसके ऊपर चार रखे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब ये वाले आइटम जो होते हैं आपस में सटे नहीं होते हैं, अब ये वाले आइटम आपस में सटे हुए नहीं होते हैं। अब कौन से आइटम सटे हुए होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब इस कॉर्नर का एक, समझो कि कमरा है, ठीक है, रूम है आपका, एक उस कॉर्नर का, एक इस कॉर्नर का, मतलब अपोजिट डायगनल के कॉर्नर और बीच वाला लड्डू, ये तीनों आपस में टच हो रहे होते हैं। तो डायगनल क्या आ जाता है, ए रूट थ्री, है ना, ए रूट थ्री। तो हमारे पास क्या बन जाता है, 4r, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी भाई, रेडियस की बीच वाले की पूरी, तो डायमीटर हो गया 2r, 2r, r और r, कितना हो गया 4r, तो 4r इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी होती है, रूट थ्री है डायगनल की। ये होता है फॉर बीसीसी, ये होता है फॉर बीसीसी, ये होता है फॉर सिंपल क्यूबिक, है ना। एफसीसी के लिए क्या आता है, एफसीसी के लिए आता है हमारे पास, इसमें क्या सटा होता है, एफसीसी में क्या सटा होता है, फेस वाले, मतलब जैसे ये फेस है, ठीक है, तो एक फेस पे इस तरह सटे होते हैं, ठीक है, ये फेस वाले हैं, ये सारे फेस वाले हैं, ये लड्डू भी ऊपर नहीं रखा हुआ, चारों के ऊपर नहीं है, ये उसी के बीच में है, तो ये सटे हुए होते हैं इस तरह से। तो ये कितनी हो गई, 4r इज इक्वल टू डायगनल की डिस्टेंस क्या होती है स्क्वायर के लिए, रूट टू ए, तो क्या होगा, 4r इज इक्वल टू रूट टू ए, ये होती है एफसीसी के लिए, ये होती है एफसीसी के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए 2r इज इक्वल टू ए, बीसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू रूट थ्री ए, एफसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू रूट टू ए, ये होती है उनके बीच की सेपरेशन, ये होती है उनके बीच की सेपरेशन। अच्छा भाई ये बात अपने को समझ आ गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता, ओके बॉस, मजा आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, मैंने लिखवा दिया, ठीक है, सीधे मिलर इंडेसिस पे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, मिलर इंडेसिस पे। अच्छा भाई मिलर इंडेसिस क्या होती है, देखो ध्यान समझो मेरी बात को, मिलर इंडेसिस एक तरह से इसको हम दिखाते हैं HKL से, एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एटम्स के, सॉरी किसी भी क्रिस्टल के प्लेन्स को दिखाने का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उन प्लेन्स को हम लोग किस तरह सिखाते हैं, किसी भी एक प्लेन को हम लोग HKL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिलर इंडेसिस। क्या बोलते हैं, मिलर इंडेसिस, मिलर इंडेसिस, मिलर इंडेसिस बोलते हैं। अच्छा ओके, मिलर इंडेसिस बोलते हैं, ठीक है, बात समझ आती है, मिलर इंडेसिस। अब किसी भी एक, हमारे पास एक यूनिट सेल मान लो, ठीक है, एक यूनिट सेल है, और उस यूनिट सेल में हमने कोई एक पर्टिकुलर प्लेन लिखा, ठीक है, ऐसे को हम लोग जनरली ऐसे दिखाते हैं कि 1 1 1 मान लो हमने लिखा, या मान लो 1 0 0 हमने लिखा, तो h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से प्लेन दिखाया जाएगा। 1 0 0 का मतलब क्या है, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है,
तो हम सिंपल क्या करेंगे, 100 से मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस पर 1 डिस्टेंस पर प्लेन है उसको ऐसे दिखा दूंगी। इसमें डिटेल में बताने का समय नहीं, इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको। बेसिकली इस तरह से डिटेल में नहीं समझते हैं, डिटेल में बहुत अच्छा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर चाहो तो देख लो जाके, वरना यहाँ से शॉर्ट में समझो। ठीक है, क्या है, जो यूनिट डिस्टेंस पर प्लेन है एक्स एक्सिस पर वो हो गया 100। मान लो हमसे बोल दीजिए 010 010 010, ऐसा नहीं लग रहा किसी का मुंह बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बनाते थे इस तरह से, इस तरह से, है ना, चलो छोड़ो। ठीक है, 010 010 किस क्या होता है, वाई एक्सिस पर वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन जो है ये हो गया 010। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 010, कॉमन ही लगाते हैं, कॉमन ही लगाते हैं 010। ठीक है, ये क्या था 100। ठीक है, हमें दिखाना है मान लो 001 001, तो ये कौन सा हो गया, जेड एक्सिस वाला हो गया ये वाला प्लेन, ये हो गया 010। मान लो हमें दिखाना है 111 प्लेन, 111 प्लेन, तो 111 प्लेन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, 11 प्लेन दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करो, इसका एक कॉर्नर, इसका एक कॉर्नर, तीनों के कॉर्नर को आपस में मिला दो। ठीक है, ये वाला प्लेन बनता है हमारे पास 111 प्लेन। तो इस तरह से हम लोग मिरर इंडेसेस को समझते हैं। ठीक है, चलो मिरर इंडेसेस, और हमारे देखो मान लो ये एक यूनिट सेल था, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेप्ट है ए, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है बी, और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है सी। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, ए एक्स एक्सिस में, बी वाई एक्सिस में, सी जेड एक्सिस में। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, मतलब इसको आप समझो, सॉरी इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है ओ ए, ठीक है, ये पॉइंट ओ ए, या ये पॉइंट है ए, यहाँ से ओरिजिन था। ठीक है, आई एम सॉरी, इंटरसेप्ट हो गया ओ ए, ये डिस्टेंस। अब समझो कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेन है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेन है, वो यहाँ पर ना काट करके यहाँ पर काट रहा है इस जगह पे, तो ये हो गया इंटरसेप्ट ओ ए। ठीक है, तो इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है, किसी भी प्लेन का इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है, लेकिन ए बी सी क्या है, लेकिन ए बी सी क्या है, ये है लैटिस पैरामीटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या है, लैटिस पैरामीटर्स। मतलब क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट सेल एक्स एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस चला है, जितनी डिस्टेंस पे काट रहा है, वो है हमारे पास ए, वाई एक्सिस पे बी, और जेड एक्सिस पे सी है, मतलब ये फिक्स है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स है। ठीक है, लेकिन ओ ए क्या है, ओ ए हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में, या वाई बना दिया मैंने, किसी एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में कटा हुआ इंटरसेप्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में कटा हुआ इंटरसेप्ट हो गया ओ ए। ठीक है, किसी प्लेन द्वारा, मान लो बी द्वारा कट रहा है ओ बी, बी पॉइंट पर ऑन वाई एक्सिस, और जेड जेड वाले प्लेन पर, सॉरी जेड एक्सेस पर सी एक पॉइंट पर हमारा वो प्लेन काट रहा है उस एक्सेस को। ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या हो गए, ओ ए ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस, ओ बी ऑन वाई एक्सेस, ओ सी ऑन जेड एक्सेस। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी, तो मिलर इंडेसेस जो कि प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी जो कि लैटिस पैरामीटर होते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी जो कि प्लेन द्वारा काटे गए इंटरसेप्ट्स हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है, इनके रिलेशन को हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, एच रेशियो के रेशियो एल इज इक्वल टू, एच रेशियो के रेशियो ए इज इक्वल टू ए अपॉन ओ ए रेशियो, सॉरी ओ ए अपॉन ए, ओ ए अपॉन ए, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, उल्टा हो गया, ए अपॉन ओ ए वो करेक्ट था, ए अपॉन ओ ए रेशियो बी अपॉन ओ बी रेशियो सी अपॉन ओ सी, ये आ गया हमारे पास, ये होता है इसमें रिलेशन। अच्छा भाई, ओके 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 ओके, ठीक है, ये हो गया इसमें रिलेशन। अच्छा, और क्या बात करते हैं हम लोग, और क्या बात करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, एक रिलेशन और होता है आपके पास जो कि होता है, चलो अभी समझते हैं उसको, बाद में देखते हैं, अभी उस आएगा उसका टाइम देखने का। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ पे एच के एल क्या है, मिलर इंडेसेस, ए बी सी क्या है, लैटिस पैरामीटर, ओ ए ओ बी सी, ओ ए ओ बी ओ सी, ये क्या है हमारे पास, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे काटे गए इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ तक बात हो गई हमारी, ये हो गई बेसिक बेसिक सी बात मिलर इंडेसेस की, और किस तरह से हम लोग एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना भी ध्यान रखना है, कि मान लो अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स, और नीचे क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, मिरर इंडेसेस में आपको ये याद रखना है, किस तरह से प्लेन्स बनते हैं, प्लेन्स का बनावट भी आपको याद रखनी है, कि किस तरह से बनाना है, मतलब अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्लेन दिया गया है, मान लो हमारे पास दिया गया 110। ठीक है, जैसे मैंने बताया 010 001 110 010, ठीक है, 111, इस तरह से मैंने बताया, तो मान लो 10110 दिया हुआ है, तो 110 का मतलब क्या है, इस तरह से। ठीक है, ये था हमारे पास, ये एक्स वाई जेड, मतलब क्या है, हमें x पे चलना है 1,
एक्स पे आ गए वन, ठीक है, वाई पे चलना है वन, वाई पे आ गए वन, अच्छा, जेड पे कहीं चलना है क्या? नहीं चलना है, इसका मतलब क्या, यहीं से पास होता हुआ एक प्लेन खींच देंगे हम लोग, यहीं से पास होता हुआ एक प्लेन खींच देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 110 प्लेन, 110 प्लेन, क्या बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? ये इतनी बात हमने कर ली। अब इसमें बात करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस की, किसकी रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। अच्छा सर देखो, रेसिप्रोकल लैटिस क्यों बनाते हैं इसको समझो ध्यान से। रेसिप्रोकल लैटिस बनाने का या रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि इसको समझना, मतलब जैसे डायरेक्ट लैटिस में चीज़ों को विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको रेसिप्रोकल लैटिस के और डीप में जाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का आप जाकर के वहाँ से देख लो, बहुत क्लियर समझ आ जाएगा कि रेसिप्रोकल लैटिस फिजिकली किस तरह से हम लोग महसूस करते हैं, वो सब फील आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि मतलब जो चीज़ें हम डायरेक्ट लैटिस में नहीं कर सकते वो चीज़ सिंपल रेसिप्रोकल लैटिस में, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है समझते हो ना, उल्टा। तो डायरेक्ट में जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं वो रेसिप्रोकल में हो जाती हैं, इतने क्लियर बात होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, जैसे हमारे पास नॉर्मल जो डायरेक्ट लैटिस थे उसके पैरामीटर क्या आते हैं, ए बी सी, ये क्या है डायरेक्ट लैटिस पैरामीटर, ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट लैटिस पैरामीटर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में जब हम लोग स्पेस में जाएंगे तो रेसिप्रोकल के कुछ पैरामीटर्स होंगे, यानी एक्स एक्सिस में कुछ ए एस्टेरिक, इसको हम लोग एस एस्टेरिक से दिखाते हैं, ऊपर स्टार लगा दो, ए एस्टेरिक हो गया, ठीक है, बी एस्टेरिक, सी एस्टेरिक, ये हो गए रेसिप्रोकल में, है ना, रेसिप्रोकल स्पेस में, रेसिप्रोकल स्पेस में हो गए, ठीक है। तो इनमें रिलेशन होता है कि हम लोग अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो डायरेक्ट से किस तरह से करेंगे, तो ए एस्टेरिक इज इक्वल टू टू पाई। अब हमें ए एस्टेरिक निकालना, तो क्रम याद रखो, ए वाले में ऊपर आएगा बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आ गया हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यानी बी वाला, बी एस्टेरिक क्या जाएगा, बेसिकली ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्यों, क्योंकि ये एक लेंथ है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, टू पाई, आप खुद कर सकते हो, ए सॉरी सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। सी एस्टेरिक क्या होगा, सी एस्टेरिक को हम लोग लिख सकते हैं टू पाई ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास तीनों डायरेक्शन में हमारे लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अच्छा अब मान लो हमसे बोल दिया सिंपल क्यूबिक या बीसीसी या एफसीसी के लिए डिफरेंट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओके। तो फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आते हैं, ए एस्टेरिक हमारे पास क्या होता है, टू पाई बाई ए आई कैप। देखो ए जो है वो एक्स डायरेक्शन वाला था, ए किसका था, एक्स डायरेक्शन वाला, वाई बी क्या था, वाई डायरेक्शन वाला, सी क्या था, जेड डायरेक्शन वाला। उसी तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में ए एस्टेरिक क्या है, एक्स डायरेक्शन के लिए, बी एस्टेरिक क्या है, वाई डायरेक्शन के लिए, सी एस्टेरिक क्या है, जेड डायरेक्शन के लिए। अच्छा ओके, यहाँ पर देखो, यानी आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन को, आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन को, यानी ए जो था वो भी हमारा एक्स डायरेक्शन में था, और जो ए एस्टेरिक आया है वो भी एक्स डायरेक्शन में, यानी सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल आता है वो भी सिंपल क्यूबिक हो गया एक तरह से, मतलब जिस तरह जिस डायरेक्शन में आपका डायरेक्ट लैटिस का था उसी डायरेक्शन में आपका रेसिप्रोकल लैटिस का भी आ गया, यानी सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक होता है, याद रखना, सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल भी सिंपल क्यूबिक होता है, ठीक है। उस तरह से बी स्टार या बी एस्टेरिक क्या जाएगा, टू पाई बाई बी इंटू जे कैप, और सी एस्टेरिक क्या जाएगा, टू पाई बाई सी के कैप, ठीक है। ये होता है हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। अब बात करते हैं हम लोग जो बीसीसी और एफसीसी के लिए, ठीक है। मान लो बीसीसी की बात करें, किसकी बात करें, बीसीसी की, ठीक है, बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी के लिए क्या होगा, देखो बीसीसी के लिए जो आएगा ए एस्टेरिक इज इक्वल टू टू पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप, 2π/a i कैप + j कैप, यस। बी एस्टेरिक क्या आएगा, 2π/b, ठीक है, j कैप + k कैप, ठीक है। एक काम करना, शॉर्ट जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में उसमें से एक बार मैच कर लेना, कि कुछ कहीं गलत फॉर्मूला भी हो सकता है, मैं जल्दबाजी में लिख जाऊँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद रहता ना क्या क्या था एग्जैक्टली, आप लोग को बड़ा लगातार रिवाइज करना पड़ता है, मेरे को तो नहीं करना होता, ठीक है, मेरे को नहीं देना एग्जाम जो आपको देना है, ठीक है। सी एस्टेरिक क्या है,
टू पाई बाई सी इंटू जे के हो गया, ठीक है, आई के कैप प्लस आई कैप, ठीक है, ये होता है हमारे पास बी सी सी के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। अच्छा देखो यार, होता ऐसा है कि जो बी सी सी के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आए हैं, वास्तविकता में अगर हम डायरेक्ट लैटिस में बात करें, तो डायरेक्ट लैटिस में एफ सी सी के लिए कुछ ऐसा ही आता है, एफ सी सी के लिए कुछ ऐसा आता है कि मतलब जो ये हमारा होता है कि ए होता है वो कुछ इस तरह से आई कैप प्लस जे कैप के फॉर्म में होता है, बी जो होता है वो जे कैप प्लस के कैप के फॉर्म में होता है, सी कैप जो होता है वो के कैप प्लस आई कैप के फॉर्म में होता है। तो इस वजह से रेसिप्रोकल में, जब रेसिप्रोकल की बात करते हैं, तो हम लोग बी सी सी को ऐसा देखते हैं कि वो बिल्कुल एफ सी सी की तरह हो गया है। बी सी सी एक्स एज एफ सी सी इन डायरेक्ट लैटिस, मतलब बी सी सी इन रेसिप्रोकल लैटिस या रेसिप्रोकल स्पेस, एक्स एज एफ सी सी इन डायरेक्ट स्पेस, बी सी सी इन रेसिप्रोकल स्पेस, एक्स एज एफ सी सी इन डायरेक्ट स्पेस, सिंपल सी बात, ठीक है। उसी तरह से मान लो हम एफ सी सी की बात करें, तो एफ सी सी के लिए हमारे पास जो ए एस्टेरिक आता है वो आता है टू पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी एस्टेरिक जो आता है दैट इज टू पाई बाई बी माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, मतलब ऐसे मैं कैसे याद रखता हूँ कि ए जो होता है उसमें लास्ट वाला है, ठीक है, तो अब क्रम चला दूँ, ठीक है, तो इसके बाद वाला आई आएगा, अगले वाले में क्या आ जाएगा, सी एस्टेरिक इज इक्वल टू टू पाई बाई सी इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और खुदा ना खास्ता एफ सी सी के लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आए हैं वो बी सी सी के लिए डायरेक्ट लैटिस की तरह होते हैं, इस वजह से एफ सी सी इन रेसिप्रोकल स्पेस एक्स एज बी सी सी इन डायरेक्ट स्पेस, एफ सी सी इन रेसिप्रोकल स्पेस एक्स एज बी सी सी इन डायरेक्ट स्पेस। तो याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक होता है, आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी, ठीक है, डायरेक्ट जो फॉर्मूले बताए थे वो भी याद रखने, ठीक है, बी सी सी का ये तीनों फॉर्मूले, ठीक है, और एक्ट किसकी तरह करता है, एफ सी सी की तरह, ठीक है, एफ सी सी के तीनों फॉर्मूले क्या है, ये है, और एक्ट किसकी तरह करता है, बी सी सी की तरह, ये सिंपल सी बात है, याद रखनी है, इतना कोई कन्फ्यूजन आता नहीं है ना, चलते हैं आगे। ये हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया, ओके। अब बात करते हैं हम लोग ब्रैक्स लॉ की, किसकी, ब्रैक्स लॉ की। अच्छा देखो ब्रैक्स लॉ क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, ब्रैक्स लॉ में इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे हमारे मैंने बताया था कहाँ से, जो वो आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, वो जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत बनते हैं, उस तरह से ब्रैक्स लॉ के क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, तो इसको भी ध्यान से रखना है। ब्रैक्स लॉ क्या होता है हमारे पास, टू डी साइन थीटा, टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्ब्डा, मतलब क्या, ये तरह की डिफ्रैक्शन कंडीशन होती है। मान लो हमारे पास एक ब्रैक, कुछ हम इस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, ये एटम्स का अरेंजमेंट है, और हमारे पास लाइट आई इस तरह से, मान लो ये कोई पर्टिकुलर प्लेन लिया, इस तरह से आई, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई किसी थीटा, ये थीटा एंगल होता है, ये थीटा एंगल होता है, ठीक है, थीटा एंगल पे गिरती है, थीटा एंगल पे चली जाती है, तो हमसे बोला जाता है यहाँ पे डी क्या है, डी हमारे पास दो, मान लो एक ये प्लेन था, एक ये प्लेन था, ठीक है, तो इन दो प्लेन्स के बीच की सेपरेशन है डी, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेन्स, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेन्स, ठीक है, ओके। लैम्डा क्या है, जो भी लाइट डाल रहे हैं उसकी सिंपल सी बात वेवलेंथ, ठीक है, थीटा क्या है, जिस एंगल पे वो गिर रहा है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है आई, ये क्या है, जिस जो प्लेन के साथ, जिस प्लेन से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस प्लेन के साथ इंसिडेंट जो रे रे है वो कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा, क्या यहाँ तक बात क्लियर है, कन्फ्यूजन तो नहीं है, इंसिडेंट वेव जिस प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है उसके साथ जितना एंगल बना रही है दैट इज थीटा, ओके। अब मान लो ये कोई भी दो एटम है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है ए, ठीक है, डी क्या है, कोई भी दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है, तो डी और ए में रिलेशन क्या होता है, डी और ए में रिलेशन ये होता है कि डी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एच बाई ए का होल स्क्वायर प्लस के बाई बी का होल स्क्वायर प्लस एल बाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, हमारे पास क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग या सेपरेशन बिटवीन प्लेन्स, ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग और लैटिस पैरामीटर्स के बीच की हमारे पास रिलेशन होता है। मान लो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है, तो ये और इसको हम लोग सिंपल ए के बराबर रख दिया, तो ये सब में से ए नीचे से वन अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर निकालेंगे वन अपॉन ए हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में रख दो, इस तरह से कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, टू ए साइन थीटा, टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कभी कभी डायरेक्टली इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एच के एल वैल्यू दी होती है, आपको बोलाता है कि इस ब्रैक प्लेन से रिफ्लेक्शन कराना है, एंगल वगैरह दिया, आपसे बताओ लैटिस पैरामीटर कितना होगा। लैटिस पैरामीटर क्या है, ए, ए क्या है, लैटिस पैरामीटर है ना, बताया था मैंने अभी पहले भी, लैटिस पैरामीटर, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई डाउट, लैटिस पैरामीटर क्या है, ए, थीटा क्या है, जिस एंगल पे वो गिर रही है प्लेन से उतना एंगल, एच के एल हमारे पास मिलर इंडेसेस हो गए, ये हो गया उनके बीच का रिलेशन, ये होता है हमारे पास ब्रैक्स लॉ, इतना होता है ब्रैक्स लॉ में। क्वेश्चन आते हैं मतलब फॉर श्योर आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग उसमें फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्या होता है फॉर्म फैक्टर, अगली बात हम लोग क्या करते हैं इसमें फॉर्म फैक्टर की, ठीक है, इसकी फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर को हम लोग एफ से दिखाते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन एफ आई, ठीक है, फॉर्मूले में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जितना बताऊं उतना भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे फॉर्मूले में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है, बट लिखने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। ई रेस्ट पावर टू पाई आई, ठीक है, यू आई एच प्लस वी आई के प्लस डब्ल्यू आई एल, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है, इसका नहीं यूज़ है, बिल्कुल ध्यान रखो इसका नहीं यूज़ है। यूज़ किसका है कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स के लिए कितनी होती है। लाइक हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर होता है हमारे पास, वो होता है जीरो, फॉर्म फैक्टर होता है जीरो, ठीक है, नहीं सॉरी, फॉर्म फैक्टर होता है हमारे पास एफ, सिंपल एफ, ठीक है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है एफ। अच्छा, मतलब सिंपल क्या होता है कि आई जो होता है इंटेंसिटी, कि कोई समझो मान लो कोई एक लाइट थी वो किसी ब्लैक प्लेन पर आकर के गिरी, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कितनी इंटेंसिटी हमें वहाँ पर मिल रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, फॉर्म फैक्टर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आई क्या आ गया, आई क्या आ गया हमारे पास, एफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ओके, ये होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल से याद रखो कि सिंपल क्यूबिक के, मान लो अगर कि सिंपल क्यूबिक कोई लैटिस है, ठीक है, तो उसमें सारे प्लेन्स जो होंगे, कोई भी आपका ब्रैक प्लेन हो, मतलब भाई मिलर इंडेसिस जहाँ पर एच के एल नंबर देते, कोई भी ब्रैक प्लेन हो, सारे प्लेन से हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यानी सारे बेसिकली डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पर कुछ कुछ जगह मतलब उसको हम लोग डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के टर्म्स से समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन समझना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो ऑल प्लेन्स, ठीक है, सारे प्लेन से हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ओके। अगर हम बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी के लिए क्या होता है, जो हमारे पास मिरर मिरर मतलब इसमें क्या है, सारी एच के एल, कोई एच के एल की कोई भी वैल्यू होगी, सबसे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बीसीसी के लिए एच प्लस के प्लस एल, अगर इसकी वैल्यू इवन आ रही है, अगर इसकी वैल्यू इवन आ रही है तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू ऑड आ रही है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। बात क्लियर, सिंपल सी बात है, याद रखो इतना, ठीक है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या आई इज इक्वल टू कितना था यार, यहाँ पे फॉर्म फैक्टर जो होता है वो टू एफ होता है, इतना याद रखो, फॉर्म फैक्टर टू एफ होता है, स्क्वायर स्क्वायर कर लो, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म फैक्टर जीरो होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एफ सी सी की, किसकी, एफ सी सी की, एफ सी सी के लिए क्या होता है, अगर एच के एल, अगर एच के एल तीनों की वैल्यू ऑड है या तीनों की वैल्यू इवन है, अगर तीनों की वैल्यू ऑड है या तीनों की वैल्यू इवन है तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर आता है वो कुछ 4f के बराबर आता है, ठीक है, वो अलग अलग बात है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखो कि जैसे मान लो सिंपल क्यूबिक की बात करिए, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है, आपसे बोला जा रहा है कि बताओ क्या 1-1 प्लेन से, 1-1 प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्या 1-0-0 से होगा, बिल्कुल होगा, क्या 1-0-1-0 से होगा, क्या 0-1-0 से होगा, सबसे होगा, जितने प्लेन होंगे सबसे होगा। यहाँ पर देखो मान लो हमसे बोल दीजिए कि बताओ 1-1-1 से होगा, इनका समेशन देखो क्या है, 1-1-1 ऐड करो 3 आ रहा, ऑड है मतलब नहीं होगा, इससे नहीं होगा। मान लो हमसे बोल दीजिए 1-2-1, इसका समेशन कितना है 4, यानी इवन है, इससे होगा, बस इतना याद रखना है यार, इतना याद रखना है, ठीक है। मान लो हमसे बोल दीजिए 3-1-1, इससे होगा 3-1-4-1-5, नहीं होगा। मान लो हमसे बोल दीजिए 2-2-2, इसका इसमें कितना होगा 6, यानी इससे होगा। तो इवन अगर है समेशन बी सी सी के लिए, तो वहाँ से
होगा रिफ्लेक्शन, अगर ऑड है तो नहीं होगा, समेशन ध्यान रखना ठीक है। मान लो यहाँ पर बोल दीजिए एफसीसी में, तो वन 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 प्लेन की बात करी जाए, सारे ऑड है मतलब होगा, वन टू वन कुछ ऑड है कुछ इवन है मतलब नहीं होगा। मान लो हमसे बोल दीजिए जीरो 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 सॉरी जीरो जीरो वन मान लो ठीक है, तो ये क्या है, दो ऑड है तो दो इवन है एक ऑड है मतलब नहीं होगा। मान लो हमसे बोल दीजिए जीरो टू जीरो, जीरो टू जीरो यहाँ से हो जाएगा, इतनी सी बात होती है ठीक है। तो किस प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा किस प्लेन से नहीं होगा इतना आपको याद रखना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है रखनी है रखनी है ठीक है। पीडीएफ जो है उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लो ठीक है। और अगर अगर कोई डाउट भी आता है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है। यार पूछोगे कितने लिंक डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपन बहुत रईस आदमी, अपन सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगर कोई डाउट तो पूछ लेना ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, शेयर कर दोगे तो मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ज़रूरत है इस चीज़ की उनको मिल जाएगा कि किस तरह का हमें किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी होती है ठीक है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है असलियत में ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में कुछ और बातें करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखो, पढ़ाई करो, प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछो ठीक है, चलो बाय बाय।